नमस्कार। तो अब दक्षिण भारत से हम वापस आ गए हैं, मैं वापस आ गया हूँ फिर वही हिमाचल की सुंदर वादियों में, धर्मशाला की सुंदर वादियों में। और आज मैं गांव में आया हूँ, गांव का नाम है धनोटू, धर्मशाला के पास है। मेरे पीछे आप देखिए, मैं जिस जगह आया हूँ उसका नाम है पीपल फार्म। ये पीपल शब्द कहाँ से आया, पीपल फार्म क्या है, आप मेरे साथ चलिए, आपको इसकी सैर करवाता हूँ, यहाँ के जो जिन्होंने बनाया उनसे मिलाता हूँ। बड़ा ही एक नोबल काम कर रहे हैं वो, आप देखिए और समझिए और मेरे साथ इसकी सैर कीजिए, आइए। हाय रॉबिन, हम संदीप मेहता, आई होप आई टाइम, हेलो, जल्दी आ गया आप। चलिए ठीक है, आई विल वेट, ब्यूटीफुल प्लेस, थैंक यू, लवली प्लेस। हेलो स्वीटर, क्या नाम है आपका? अब तो बोले ये मूली है। मूली, अरे वाह। तो चलिए आपको कुछ बताते हैं कि पीपल फार्म है क्या, रॉबिन की जर्नी क्या है और यहाँ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और वैल्यू सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जानवर किसको कहते हैं, जानवर शब्द कहाँ से आया, ये दो शब्दों से बना, जान और वर। जिसको भी जान का वरदान मिला है उसको जानवर कहते हैं, हम भी जानवर हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे में कहने बोलने की शक्ति है, हमें वरदान मिला हुआ है, हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझा सकते हैं अपनी तकलीफ। और हमारे पास एक इकोसिस्टम है, अगर मान लीजिए कि हमें कोई तकलीफ़ है, सामने वाले ने समझ ली, तो हमारे पास सोसाइटी है, हमारे पास फैमिली है, हमारे पास गवर्नमेंट है जो हमारी देखभाल करती है। इन बेचारे बेजुबान जानवरों का कोई नहीं है। पहले तो ये बोल नहीं सकते, समझा नहीं सकते, अगर किसी को समझ आ भी जाए, इनकी कोई तकलीफ दिख भी जाए, इनका कोई ज़ख्म दिख भी जाए, तो कोई उसकी परवाह नहीं करता। तो रॉबिन जैसे भगवान ने कुछ लोग भेजे हैं जो इन लोगों को लुक आफ्टर करते हैं। पीपल फार्म में इनके तीन सेक्शंस हैं। जो सबसे पहला है वो है क्लिनिकल सेक्शन, जिसमें मोटो बड़ा क्लियर है, रेस्क्यू, रिकवरी एंड रिलीज। रिलीज में एडॉप्शन भी आ जाती है। तो ये क्लिनिकल साइड हो गई। उसके बाद है, जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो है, रॉबिन इज़ वेरी क्लियर कि एक आदमी पूरी दुनिया में वो सब कुछ नहीं कर सकता, देर इज़ अ लिमिटेशन। और यही इनके पीपल फार्म के नाम में भी आता है, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो ये क्या कर रहे हैं कि कितनी अवेयरनेस क्रिएट की जाए थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू वॉलंटियर्स, थ्रू वेरियस मीन्स, एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। जैसे जैसे पीपल जुड़ते जाते हैं, लोग जुड़ते जाते हैं, वो आगे इस चीज़ को कैरी ऑन करते हैं, एंड सूनर और लेटर इट विल हैव अ मल्टीपल इफेक्ट, इट विल हैव एन एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो रॉबिन, एम आई राइट, मैंने जो बोला अभी तक? जी बिल्कुल, हाँ जी, चलो हमारी यही है। चलो थैंक यू सो मच। अब मैं आपको बताऊंगा कि पीपल फार्म, इससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि पीपल फार्म का मतलब क्या है। इसका पीपल जो हम POPL बोलते हैं वो पीपल नहीं है, लोग नहीं है, पीपल मीन्स पीपल, जो पीपल का पेड़ होता है। और ये बड़ा यूनिक मुझे कॉन्सेप्ट लगा कि इनका ये मानना है कि जिस तरह पुराने घरों में पीपल का पेड़ अपने आप उगाता है, पांच इन्होंने चीज़ें जो है इन्होंने देखी पीपल के पेड़ में, जिससे इन्होंने पीपल नाम रखा, कि एक तो पुराने घर में अपने आप उगाता है, पहली चीज़। दूसरी बात, वो अंदर तक दरारें डाल के उसकी जड़ें निकल जाती है, वो दरारें, वो जड़ें बेसिकली रूढ़िवादी विचार जो है, जो हमारी कन्वेंशनल विजडम है, उसको तोड़ के नए विचार लाने हैं, वो इनका एक पीपल का कॉन्सेप्ट है। और उसके अलावा एक इनकी सोच ये है कि पीपल के पेड़ की एक लिमिटेशन होती है, लेकिन वो एक दायरे तक ही फैलता, लेकिन पक्षी जो उसका फल खाते हैं वो उसके दाने, उसके बीज इधर उधर फेंक देते हैं जहाँ पे और पीपल के पेड़ उगाते हैं। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अवेयरनेस। एंड जो आखिरी दो चीज़ें मुझे पसंद आई वो थी कि महात्मा बुद्ध का जो निर्वाणा जिसको कहते हैं, जिसको उनके एनलाइटनमेंट कहते हैं, वो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। और आखिरी, चूँकि मैं खुद कृष्ण भक्त हूँ और कृष्ण जी का कहना था कि पेड़ों में पेड़, फूल पत्तों में सबसे बढ़िया अगर कुछ है तो पीपल का पेड़। तो रॉबिन, यहाँ तक तो मैंने बता दिया। आपकी जर्नी जो है मुझे याद है, एक एक चीज़ याद है कि कैसे आप
ने प्रोग्रामिंग में गए, कैसे आप यूएसए गए, लेकिन वो इतनी इंटरेस्टिंग है मैं मानता हूँ कि आपके मुँह से थोड़ी सी आ जाए, चाहे शॉर्ट में आ जाए, बड़ा अच्छा रहेगा। शॉर्ट में तो देखिए यही है कि वन थिंग लेड टू अनदर। और मैं प्रोग्रामर था, हैकर था, पहले प्रोग्रामिंग सीखी, मैं यूएस पहुंच गया, वहां पे मैंने अपना एक बिजनेस शुरू किया। जो एक मिनट रुकूंगा आपको, यूएस पहुंचने का भी बड़ा इत्तेफाक था। एक ये कहीं पे कुछ अप्रोच कर रहे थे लोगों को और एक गलत बटन दब गया, टी की जगह के या के की जगह टी समथिंग, टी की जगह के दब गया और वो किसी और को चला गया। वो बंदे ने कहा कि भैया मैं नहीं जानता आप कौन है, लेकिन आई वॉन्ट टू वर्क विद यू। दे स्टार्टेड वर्किंग। टाइम जोन का बड़ा इशू रहता है यूएसए और इंडियंस के बीच में, वी ऑल नो। तो उन्होंने कहा यार मैं वीजा भेज रहा हूँ, आप इधर आ जाओ, एम आई राइट? जी। तो आगे बताइए। तो एक बार यूएस पहुंचा, वहां पे भी मुझे लगा कि मैं यूएस आ गया, पर वो अब नौकरी कर रहा था, मैं पहले फ्रीलांस था कर रहा था, तो थोड़ा मुझे लगता था कि भाई आजादी छिन गई। तो मुझे था कि यार अपना बिजनेस करते हैं, उस मुकाम पे पहुंचा। ऐसा नहीं कि मुझे कोई अरबपति बनना था, कि भाई अपना रहना खाना चल जाए और रोज 8 घंटे बेचने ना पड़े। अब भगवान की दया थी तो 2010 तक मैं उस मुकाम पे पहुंच भी गया और शुरू में खूब बढ़िया भी लगा भाई, रोज बाहर खाना खाना, ये वो, कुछ काम ना करना, सारा दिन वीडियो गेम खेलना। लेकिन एक समय के बाद ना लगने लगा कि कुछ खालीपन, कुछ खालीपन है कि ये क्या, यही है क्या लाइफ। तो थोड़ा जो आसपास देखा तो भाई मुझे समझ में आया कि मैं अडेप्ट कर गया, जो मैं चाहता था होता गया, अक्सर लोगों को वो मिलता नहीं है जी। तो भागते रहते, वो खोखलापन का उन्हें एहसास नहीं होता, मुझे वो मिल गया तो मुझे खोखलेपन का एहसास था। तो अब भाई ये था, या तो मैं अपने आप को एक बड़ा टारगेट दूं और फिर उसके पीछे भागता रहूं और वहीं दौड़ भाग में ख़त्म हो जाऊं, या वहां पहुंच गया तो फिर मेरे को लगेगा यार अब क्या, भाई अपने आप को बड़ा टारगेट दूं। मैंने कहा ये तो जीने का कोई तरीका सही है ही नहीं है। तो जो हमें टेम्पलेट दिया ना पिताजी ने, और जो उनके पिताजी ने उनको दिया, ये टेम्पलेट ही सही गलत है। उनसे बात करी तो उन्होंने कहा बच्चा पैदा कर लो। मैंने कहा यार आप रहने दो, आप फंसा रहे हो, आप खुश नहीं हो, बच्चा पैदा करके मैं कैसे हो जाऊंगा। तो मुझे ये क्लियर हो गया क्या नहीं करना, क्या करना है ये नहीं पता था। तो मैंने कहा कि भाई सारे अंग्रेज लोग अपने आप को खोजने भारत आते हैं, हम भी चलते हैं, चलते भारत एक खोज, इसलिए भारत आए। और फिर वहां पे फिर अगेन भारत आके क्या, तो थोड़ा ट्रैवल किया, एक लेडी मुझे मिली ऑरोविल में, 18 महीने हो गए थे मुझे भटकते हुए। तो लॉरेन था उनका नाम, वो ऑरोविल में थी और बड़े सारे स्ट्रे डॉग्स की मदद करी थी, वो गरीब भी थी। ऑरोविल पांडिचेरी के पास जी, पांडिचेरी के नजदीक एक इंटरनेशनल टाउनशिप। जी जी जी। तो वो गरीब भी थी, बीमार भी रहती थी, एजेड भी थी, और फिर भी वो कुत्तों की मदद करी थी। मतलब वो रेस्टोरेंट से झूठन इकट्ठा करके साफ करके कुत्तों को खिलाती थी, उनके पास कुछ नहीं था। तो मुझे थोड़ी अपने पे थोड़ी क्या थोड़ी ज्यादा ही शर्म आई कि भाई इसके पास कुछ नहीं है, ये तब भी तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम अभी भी अपनी खुशी खोज रहे हो। और बचपन में जो माँ ने वैल्यूज दी थी, मम्मी क्रांतिकारी परिवार से थी, तो मेरे जो मामा जी थे रामकृष्ण भारती, वो गांधी जी के साथ। अच्छा। तो मम्मी ने कहा था भाई इसी रास्ते पे चलो, पिताजी की मत सुनो, पैसे वैसे में कुछ नहीं रखा, तब उस समय उनकी बातें लगती थी बोरिंग। तो माँ ने जो वैल्यूज के बीज दिए थे, अब लॉरेन ने उन पर पानी डाल दिया। तो वहां से फिर मैंने, मुझे लगा कि खुशी वुशी छोड़ो, पर्पसफुल लाइफ जियो। और फिर शायद आप केरला गए, लेकिन आपको लगा कि लैंग्वेज बैरियर रहेगा, गो टू अ प्लेस विच इज हिंदी स्पीकिंग, वो हाँ दैट इज वन। एंड दूसरा ये था कि भाई आपने ये चूज किया कि भाई एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली और एक पोल्यूशन फ्री जगह रह जाए। हाँ, केरल में इससे पहले ही गया था, अभी लॉरेन के पास गया। अच्छा, केरल जब मैं गया था तब एक बड़ा ही स्वार्थी सा वो था, एक रोमांटिक सा आइडिया था कि भाई मैं अपना खाना वाना उगाऊंगा, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देख के किताबें पढ़ी कि अपना खाना उगाऊंगा, किसानों की तरह रहूंगा, तो उसमें मैं खुश रहूंगा। तो केरल गया, देखा कि एक तो यहाँ लैंग्वेज बैरियर रहेगी, इस जगह तो मैं ये नहीं कर सकता, कहीं और करना पड़ेगा। और दूसरा साथ ही साथ ना एक रियलाइजेशन हो गई थी कि भाई जब आप जी रहे हो, अब नॉनवेज भी मैं छोड़ चुका था, दूध भी छोड़ चुका था कि भाई कुछ भी क्रुएलिटी ना हो मेरी वजह से, पर आप जब जी रहे हो आपकी वजह से क्रुएलिटी होगी ही होगी। आपका खेत से खाना आ रहा है, खेत में हल चलेगा, ट्रैक्टर चलेगा, केंचुए मरेंगे, चूहे उनके बिलों में पानी भरता है, तो आपके जीने की कोई और कॉस्ट दे रहा है। जी। तो मैंने कहा मैं अगर अपने लिए जीता रह रहा हूँ तो एक नेगेटिव चीज ही कॉज कर रहा हूँ, तो सिर्फ अपने लिए जीने का तो कोई मुद्दा है नहीं। जी। तो इसलिए कुछ ठोस चाहिए था जिसके लिए मैं जी पाऊँ, जो मुझे लॉरेन ने दे दिया। मैंने इनके बारे में काफी कुछ सुना है, पढ़ा है, देखा है। ये जो इन्होंने बताया नॉन वेज और दूध वगैरह छोड़ दिया,
थोड़ा सा मैं उस पर आपको बता दूं, जब ये आए तो दिल्ली में ये एक इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था, एबीसी प्रोजेक्ट नाम था शायद। हाँ। दिल्ली में जो इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया उसमें ये स्टरलाइज करते थे डॉग्स को सो दैट उनकी पॉपुलेशन ना बढ़े। लेकिन जब वो उसके लिए इन्होंने एक बनाया था मॉडल, बड़ा अच्छा मॉडल था, लेकिन उस दौरान जब ये चलते थे तो रास्ते में देखते थे कि बहुत सारी बूचरीज, मटन शॉप, चिकन शॉप है, तो इन्होंने कहा कि यार क्या सिर्फ कुत्तों को ही ज़रूरत है प्यार की या देखभाल की, ऑल एनिमल्स नीड दैट। तो वहाँ से आई थिंक वहाँ से पीपल फार्म का आइडिया है आपको। हाँ। जी जी। और दूध का जहाँ तक सवाल है, ये मैं एग्जैक्टली वीगन नहीं कहूँगा क्योंकि वीगन वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी इनकी फिलॉसफी है और मैं रिकमेंड करूँगा। इन्होंने एक आचार्य प्रशांत जी जो कि बड़े फेमस एक इंटेलेक्चुअल हैं, गुरु हैं, उनकी इंटरव्यू की हुई है, उसमें आप देखिए, मैं इतना नहीं समझा पाऊंगा जितना आप उसमें देख पाएंगे। मैं फिर भी कहूँगा वीगन शब्द देखो एक पश्चिमी शब्द है, तो बड़ा सारा ना अपने साथ बैगेज लेके आता है। मैं कह रहा हूँ हमारा अहिंसा परमो धर्मा लेके चलता हूँ, हमें अहिंसा करनी है ना, हमें नुकसान नहीं पहुंचाना। दूध पीने से एज सच कोई नुकसान नहीं हो रहा गाय को, पर क्योंकि दूध हो गया कमर्शियलाइज जी, तो गाय को उन्होंने बना दिया दूध की मशीन। एब्सोल्युटली। और वो गाय बछड़ा देगी तो दूध देगी, बछड़े का कोई उपयोग नहीं है क्योंकि खेती में अब ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, तो बछड़े सारे के सारे मरते हैं। बूढ़ी गाय जो है वो सड़क पे छोड़ दी जाती है। और भैंसे, हर एक भैंस को काट दिया जाता है। इंडिया बीफ का टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से। एब्सोल्युटली। तो दूध के पीछे बहुत हिंसा है जो दिखती नहीं है। दैट्स राइट। तो इसलिए मैंने कहा कि हम एक हाथ से गाय बचा रहे हैं जी, और दूध पिए तो फायदा क्या हुआ। ये तो होगी जर्नी की बात। नाउ आई विल कम बैक टू वेयर आई लेफ्ट, कि इनके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे, तो एक तो मैंने आपको बताया कि रेस्क्यू, रिकवरी एंड रिलीज विच इंक्लूड्स अडॉप्शन ऑल्सो। दूसरा है अवेयरनेस, जिसमें इनका एक मीडिया सेल है प्रॉपर। और तीसरा जो है वो इनका फार्म प्रोजेक्ट है। फार्म हमने इसलिए किया कि भाई मैंने आपको बताया कि भाई जब भी हम खाते हैं कुछ भी तो उसके पीछे एक सफरिंग की चेन होती है, भाई कहीं पे उगा, फिर उसके बाद वहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको पेट्रोलियम चाहिए, सड़कें चाहिए, सड़कों के लिए पेड़ कटते हैं, तो पूरी एक चेन ऑफ सफरिंग है। तो जितना मैं अपना खुद उगा के खा लूँ उतनी मैं सफरिंग कम कर रहा हूँ, इसलिए हमने अपना खेत शुरू किया। प्लस मुझे था कि हमारा प्राइमरी प्रोड्यूस विल बी नॉलेज। अब मैं शहर में पला बड़ा, मेरे हिसाब से दाल चावल दुकान से आता है, तो थोड़ा उगाएंगे तो पता लगेगा, सीखेंगे। आप धरती से जुड़ते हो, मिट्टी से जुड़ते हो, सीखेंगे। प्लस मुझे ये था कि यहाँ पे आके मैंने देखा कि किसान भाई क्यों BMW ऑडी नहीं चला रहा, खेती में पैसा कमाना नहीं मुश्किल है, नहीं है। अब वो एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकता, हमारे पास तो लग्जरी है ना, हमारे वो क्योंकि एक्सपेरिमेंट करेगा कुछ गलत हो गया वो खाएगा क्या, हमारे पास लग्जरी है। तो हमने कहा कि हम चीजें ट्राई करके किसान को बता सकते हैं, ये करोगे तो 4 पैसे और कमा सकते हो। तो हम इस तरह हमने फूड प्रोसेसिंग ट्राई करी, सिंपल भाई, नींबू आप बेचोगे सस्ता बिकेगा, नींबू का अचार बनाओगे तो महंगा बिकेगा, प्लस आप पूरा साल वैल्यू एडिशन बाय सिंपल प्रोसेसिंग, यानी कि लाख रुपए की मशीन लगानी है, गेहूं को अंकुरित कर लिया है ना, चीजों को डिहाइड्रेट कर लिया। तो अब जब हमने ऐसा किया तो फिर हमने एक पीपल फार्म प्रोडक्ट्स का नाम से शुरू किया, वहां पे हमने चीजें बेचनी शुरू कर दी। मुद्दा ये नहीं था प्रॉफिट कमाना, मुद्दा ये था भाई खेत की जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस है वो बिक जाएगी, प्लस लोगों को हमारा नाम पता लगेगा। तो वो अब शिवानी चलाती है, वो इतना बड़ा हो गया कि अब वो एक तो गांव की लड़कियों को बड़ी सारी होकर एम्प्लॉयमेंट देता है जो पीपल फार्म प्रोडक्ट्स है, प्लस हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है उसको वो फंड भी करता है। फंड करता है, हाँ, वो मैंने सुना था, कहीं पे पढ़ा था मैंने, तो इट्स वंडरफुल। तो अभी मेरे ख्याल से एक राउंड लिया जाए पीपल फार्म का, एंड इट वॉज वंडरफुल मीटिंग यू, एंड सो नाइस ऑफ यू, आपने अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद टाइम दिया, एंड आई विल बी इन टच, आई एम अ लोकल पर्सन, तो मिलता रहूँगा, आऊँगा मैं यहाँ पे, एंड मे बी वट एवर लिटल आई कैन वॉलंटियर आई विल डू दैट ऑल्सो। एंड आप लोग भी हमारे को जब चाहें विजिट कर सकते हैं, संडे छोड़ के सुबह 9 से 12:30 तक हम हर रोज खुले हैं विजिट्स के लिए, ठीक है। इट वॉज वंडरफुल मीटिंग यू, थैंक यू दैट यू गेव मी टाइम। अरे कम ऑन, थैंक यू सो मच।